वेलकम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और वीडियो के अंदर, एक और क्लास के अंदर। ये क्लास नंबर आज सेकंड रहने वाली है और ये जो क्लास है ये आप नॉर्सेट के साथ साथ जीएनएम भर्ती जो आई हुई है, जितने भी स्टाफ नर्स की भर्ती होती है उन सभी के लिए जो है रिवीजन क्लासेस रहने वाली है। रिवीजन से मेरा मतलब है कि आपको एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट के, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह ही मिलने वाले हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो जितने भी आज तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी आज तक मैंने टेस्ट सीरीज दी है, जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं जो मेरे गलत होते थे, जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक बुक के अंदर लिखे हुए हैं। ये एक नोटबुक है जिसके अंदर लगभग 300 पेज की नोटबुक है। अगर आप ये कर जाते हो तो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट जो है आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर सेकंड, और ये क्लास सीधा टारगेट करेगी ऑल नर्सिंग, जो स्टाफ नर्स की भर्ती है उनको, एम्स नॉर्सेट को, और साथ में ही अभी फिलहाल जो भर्ती आई हुई है जीएनएम की उसको भी ये टारगेट करने वाली है। संविदा की भर्ती आई हुई है जीएनएम की, तो आज से ही जुड़ जाए हमारे साथ। एक क्लास कल हो चुकी है, ये क्लास क्लास नंबर सेकंड है, और हमेशा आपको सुबह 10 बजे क्लास मिलने वाली है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन, और आपसे मेरा एक निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के रेस्पॉन्स से क्लास का टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, और आप सभी का अगर साथ रहा, आप सभी ने अगर प्यार मोहब्बत दी मुझे इस क्लास को, तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मेरी तरफ से डिलीवर आपको हो जाएगा। तो चलिए आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। चलिए सबसे पहले क्या देखो, ऑलराउंडर क्लास रहने वाली है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, अपने को बस याद रखना है। तो आज अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपने सामने टॉपिक आया रिफ्लेक्सेस का, न्यू बॉर्न्स में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका, बच्चों में जो पीडिया में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका अपन बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। अरे दोस्तों, रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, देखिए रूटिंग रिफ्लेक्स का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता रहता है। ये डिसअपियर कब होता है? जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर होता है 3 to 4 month में, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अब आप सोचोगे सर रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? टचिंग द चिक ऑफ द बेबी, जैसे ही अपन छोटे बेबी की जो चिक है, जो गाले हैं उनको जब टच करते हैं, गालों को टच करेंगे तो रूटिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगी अपने को। जैसे ही टच करेंगे जो बच्चा जो है वो कैसा मुस्कुराएगा, तो टचिंग टच करते हैं तो वो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, और ये रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने के अंदर अंदर गायब हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स की, दैट अपियर। प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स कब अपियर होता है? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स दैट अपियर 5 month ऑफ एज, 5 महीने की एज पर अपियर होता है। 5 month ऑफ एज पे क्या हो जाता है? अपियर हो जाता है कौन सा रिफ्लेक्स? प्रोटेक्टिंग रेस्पॉन्स, जिसे क्या कहते हैं? पैराचूट रिफ्लेक्स। क्या नाम है इसका? पैराचूट रिफ्लेक्स। और ये इसके बारे में देख ले, पी से पैराचूट, पी से प्रोटेक्टिव, पी से 5 महीने पर देखने को मिलता है। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, PPP, 5 महीने में प्रोटेक्टिव पैराचूट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक लाइन से क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने इनको लाइन में लिख रखा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर पिंक्सर ग्राफ्स, मैच्योर पिंक्सर ग्राफ्स जो रिफ्लेक्स है वो 1 साल पर आता है। कब आता है? जब बेबी का 1 ईयर का हो जाता है, 12 month की एज पर जो है ये देखने को मिलता है। कितनी? 12 month की एज पर ये अपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, नाम सुना होगा टोनिक नेक रिफ्लेक्स। देखिए सेम साइड की एक्सट्रीमिटी जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है,
अपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो फ्लेक्स्ड हो जाती है। ये रिफ्लेक्स टोनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाता है। कैसा रिफ्लेक्स कहलाता है? टोनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाता है, नेक रिफ्लेक्स कहलाता है। रिफ्लेक्स से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एम्स एग्जाम के अंदर, नॉरसेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये बहुत बेहतरीन कंटेंट है। आपका रिवीजन ऐसे शानदार तरीके से हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इनको लिख लिख कर भी करवा सकते हो, तो मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों का समय ना व्यर्थ हो, ज़्यादा टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो, इसलिए मैं ये जो क्लासेज है आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स से करवा रहा हूँ। ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से एक बच्चे का टाइम बचाने के लिए, और बच्चा आराम से इसको है पढ़ सकता है और साथ में क्या कर सकता है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का हमने आपको लिंक दिया है, हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या मिलेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, प्री एमसीक्यू बैच मिलने वाला है बिल्कुल, जो जीएनएम भर्ती को टारगेट करेगा, और साथ में टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जितने भी अपन क्लासेस करवाएंगे, कोशिश ये रहेगी कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाए, नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, सूटेबल तरीके से होगी। और चलिए और आगे बात करेंगे, आप तब तक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों को भी ज्वाइन करवाएं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स, जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है रूटिंग रिफ्लेक्स का। क्या होता है रूटिंग रिफ्लेक्स? देखिए ये रूटिंग रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। इसे क्वेश्चन क्या बना है कि ये डिसअपियर कब होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपियर कब होता है? 3 से 4 मंथ पर जो है ये रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है। 3 से 4 मंथ पर ये रिफ्लेक्स क्या हो जाता है? चलिए बता देता हूं दोस्तों आपको कि जो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है वो डिसअपियर हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर। और रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है देख लीजिए, टचिंग द नेक ऑफ द बेबी, सॉरी चिक ऑफ द बेबी, बेबी के चिक को टच करते हैं और ये रूटिंग रिफ्लेक्स जो है ये हेल्प करता है सकिंग में। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस। क्या डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। हेड ऑफ द न्यू बॉर्न इन आइदर साइड, हेड ऑफ द न्यू बॉर्न इन आइदर साइड, बट द न्यू बॉर्न आई मोमेंट डज नॉट अकर्स विद द फेस मोमेंट, फेस मोमेंट के साथ आई मोमेंट नहीं कर पाती। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वीकनेस ऑफ आई मसल, आई मसल का वीकनेस हो जाने की वजह से आई मसल है वो वीक हो जाती है। और एज ऑफ द डिसअपियरेंस, ये कब डिसअपियर होता है? 3 से 4 मंथ के अंदर ये जो है डिसअपियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिटिंग पोजिशन जो है वो कितने महीने में आती है। सिटिंग अप अनसपोर्टेड, देखिए सपोर्टेड नहीं है, अनसपोर्टेड मतलब बिना किसी सपोर्ट के कब तक बच्चा कब बैठना चालू कर देगा? तो ये 6 से 9 मंथ का बेबी, अबाउट 6 to 9 मंथ का बेबी जो है बैठना स्टार्ट कर देगा, 6 to 9 मंथ का बेबी बैठना स्टार्ट कर देगा। अरे एक ही पूछिए, ऑप्शन में एक ही हो तो 7 मंथ लगाना, चलिए नेक्स्ट 7 नहीं हो तो 8 लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं होल्डिंग हेड अप विदाउट असिस्टेंट, बिना असिस्टेंट के होल्ड करना किसको? हेड को। ये 3 मंथ का बेबी करने लग जाता है, 3 मंथ का बेबी। नेक्स्ट रोल ओवर विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के रोल ओवर करने लग जाता है, 5 मंथ का बेबी। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, क्या क्वेश्चन पूछा गया है बार बार दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? सोशियल स्माइल। सोशल स्माइल कब देखने को मिलेगी? 1.5 से 2 मंथ का बच्चा, 6 से 8 वीक का बच्चा। और ऑप्शन में अगर 6 और 8 दोनों हो तो 8 वीक लगा देना दोस्तों। 8 वीक का जो बच्चा है वो सोशल स्माइल करने लग जाता है, क्या? सोशल स्माइल करने लग जाता है।
SHRS देख लीजिए, 1 से 2 मंथ का बच्चा सोशल स्माइल करेगा, 3 मंथ का बच्चा हेड होल्ड करेगा, 5 मंथ का बच्चा रोल ओवर विदाउट हेल्प, और 6 to 9 मंथ का जो बच्चा है वो सिटिंग अप, S4 सिटिंग, S4 6-7 याद रखना, 6-7 विदाउट सपोर्टेड, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी दोस्तों यहाँ पर, वादा है मेरा आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, शानदार कंटेंट मिलने वाला है दोस्तों आपको, भरोसा रखना आप राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर, आपको यहाँ पर बेहतरीन से भी बेहतरीन कंटेंट डिलीवर हम करवाने में विश्वास रखते हैं। तो चलिए सबसे बात करते हैं ब्रेंडन स्केल। ब्रेंडन स्केल क्या होता है? ब्रेंडन स्केल इसका यूज किसमें किया जाता है? बेड सोर के अंदर, बिल्कुल सही है, बेड सोर के अंदर किया जाता है, डेक्यूबिटस अल्सर में, डेक्यूबिटस अल्सर के अंदर इसका यूज किया जाता है ब्रेंडन स्केल का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एम्स के अंदर भी कि ब्रेंडन स्केल में किस, ब्रेंडन स्केल किसके लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, कि जो बेड शोर होता है, बेड शोर होता है, डेक्यूबिटस अल्सर जो होता है, कितनी स्टेजेस होती है देख लीजिए। स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे बर्न की होती है वैसे इसी की होती है, सेम सेम ही सेम। अब ये बताइए कि बेड शोर से बचने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी किसे कहेंगे? जिस प्राथमिकता, जिसे सबसे पहले देना है, जिसे कि पेशेंट ठीक हो जाए, प्रायोरिटी वही होगी। तो अपने को एवरी प्रत्येक 2 घंटे के अंदर अंदर जो पेशेंट लंबे टाइम तक एडमिट रहता है, एवरी 2 आवर पोजीशन चेंज करनी है उसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, पोजीशन बदलनी है उसकी एवरी 2 आवर, प्रत्येक 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करनी है, एवरी 2 आवर्स चेंज पोजीशन टू प्रिवेंट बेड सोर, एंड दिस इज प्रायोरिटी। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लिथियम थेरेपी। जब लिथियम थेरेपी क्यों देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम। अरे सोडियम को मेंटेन करने के लिए लिथियम थेरेपी दी जाती है। लिथियम थेरेपी देते किसके अंदर है, किसके अंदर देते हैं लिथियम थेरेपी? मैनिया के अंदर, मैनिया के अंदर, मैनिक डिसऑर्डर में, मैनिक डिसऑर्डर के अंदर देते हैं। मैनिक कैसा डिसऑर्डर होता है? मूड डिसऑर्डर होता है दोस्तों। कैसा रे? मूड डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर होता है, मैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो मूड डिसऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मूड डिसऑर्डर में होता क्या है, क्या होता है दोस्तों इसमें? सीरोटोनिन का लेवल, सीरोटोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होगा तो मैनिया होगा, मूड डिसऑर्डर होगा। अगर सीरोटोनिन का लेवल अगर हो गया कम दोस्तों तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट अभी बात करते हैं अपन मैनिक डिसऑर्डर की, मूड डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन। ये टफ्ट ऑफ हेयर है वो किसमें सीन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के अंदर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन इन, तो ऑप्शन में अगर स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज एसोसिएटेड विद डिजोक्सिन। देखिए डिजोक्सिन के साथ, अब डिजोक्सिन के साथ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इम्बेलेंस होगा? डिजोक्सिन में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैलेमिया, क्या हाइपोकैलेमिया होगा डिजोक्सिन में? क्या होगा दोस्तों? हाइपोकैलेमिया होगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोर्स रेटिंग साउंड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन नॉर्सेट के साथ साथ नर्सिंग की जितनी भी भर्ती होती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल ओवर नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास भी जो है GNM की अभी भर्ती आ रही है, जल्द ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सितंबर में उसका एग्जाम निश्चित हुआ है, तिथि है उसकी एग्जाम 24 सितंबर, तो उसके लिए ये जो है क्लासेस चल रही है। जैसे ही
जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाता है एमसीक्यू क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए ज्वाइन करें राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को, सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मिलेगा आपको। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो इंस्टाग्राम का सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप सिंपली जाकर सर्च कर लेना राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, वहाँ पर आप ज्वाइन करें, वहाँ पर भी चीज़ें आपको मिलने वाली है। फोर्स रेटिंग साउंड लार्ज एयरवे इस रेल्स कहलाता है, क्या रेल। नेक्स्ट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन विद मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैस्यू का मतलब बहुत ज़्यादा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है दोस्तों, क्या जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, रप्चर, और रप्चर हो गई तो वहां से क्या है पोटेशियम जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में पोटेशियम बाहर, इसलिए हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाएगा और कैल्शियम कम हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया, यही कॉम्प्लिकेशन है मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है और हाइपोकैल्शियमिया होता है, मतलब कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियमिया होता है, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है। बाकी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है मैं बता देता हूँ दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्लासें मैंने ले रखी है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्लास मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से, उसके अंदर आपको जो है वो चैप्टर मिल जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, जाकर एक बार विजिट जरूर करना अगर आपके पास समय है तो जरूर करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, स्टेडियोमीटर क्या होता है, स्टेडियोमीटर क्या होता है, चलिए बता दीजिए दोस्तों कि जो स्टेडियोमीटर है उसका स्टेडियोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, जल्दी से बताएं स्टेडियोमीटर जो है उसको किसके लिए यूज किया जाता है। तो 2 साल का जो बच्चा है उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, 2 साल के बच्चे की हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है, किसका, स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर का यूज, इन्फेंटोमीटर नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेंट मीटर मतलब हाइट, तो इन्फेंट की हाइट को मेजर करता है इन्फेंटोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोनियोमीटर, गोनियोमीटर बताइए, गोनियोमीटर जो होता है वो रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट उसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं रेफ्रेक्टोमीटर, जो रेफ्रेक्टोमीटर है उसका किसके लिए यूज किया जाता है, ये वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड जो है वाटर की लिक्विड को, लिक्विड कंटेंट ऑफ वाटर को यूज की, वाटर कितना लिक्विड है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए मॉइस्चर के लिए बोल दे तो मॉइस्चर कन देखने के लिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम, सभी को पता होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है पोटेशियम की, पोटेशियम बोले तो पोटेशियम आयन इसकी जो होती है नॉर्मल देखा जाए तो 3.52-5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, क्या होती है 3.52-5.1, ये मिस हो गया होगा थोड़ा, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर 3.1 to 5.1। ओके दोस्तों नेक्स्ट सोडियम की अगर बात करें इसी में ही देख लीजिए, सोडियम की भी देख लीजिए तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सोडियम का भी कि इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर इससे 145 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया, कम हो जाए 135 से तो हाइपोनेट्रीमिया, सेम यह ऐसा कि 3.5 से अगर कम है तो हाइपोकैलेमिया, 5.1 या 5.2 या 5.4 से ज़्यादा है तो हाइपरकैलेमिया होता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है दोस्तों नीचे, आप देखते जाएं बस
बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, मेरा वादा है आपसे। देखिए आपने आपने देखो कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी के बारे में पढ़ा होगा। नॉर्मल कलर ऑफ द कोलोस्टोमी जो स्टोमा होता है, स्टोमा का मतलब जो अपन होल करते हैं वहाँ पर, कोलोस्टोमी में एक अपन होल कर कर बनाते हैं, स्टोमा बनाते हैं, वो कोलोस्टोमी में होता है। उसका नॉर्मल कलर कैसा होता है? देखिए नॉर्मल कलर होता है पैल पिंक, पिंक कलर नॉर्मल, या ब्राइट रेड, जिसे ब्राइट रेड भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राइट रेड कलर या फिर पैंक पैल पिंक कलर। अब नॉर्मल पूछ ले जाता है, नॉर्मल देखो नॉर्मल कम और अबनॉर्मल ज़्यादा पूछता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। एबनॉर्मल में ब्रिक रेड पूछता है, ब्रिक रेड, ब्राइट नहीं, ब्रिक रेड होता है वो। ब्रिक रेड कैसा होता है? ईंट जैसा रंग जो होता है ना, ईंट जैसा रंग, ईंट जैसा रंग, ब्रिक रेड कैसा होता है? ईंट, ईंट का जो कलर होता है ना, ईंट आपने देखी होगी, उसका जो कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो एबनॉर्मल है स्टोमा। डस्टी कलर हो रहा है, डस्टी कलर ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से। पर्पल या ब्लैक कलर किसकी वजह से हो रहा है? ये कलर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, अगर कम हो रहा है स्टोमा के अंदर तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो डस्टी कलर का हो जाएगा, वो पर्पलिस कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोल्डन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूड है वो देखने को मिलता है आरएच इनकम्पेटेबिलिटी में, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट बात करें ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक सब्जेक्ट कवर होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी लाइन के अंदर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। अभी आप देख सकते होंगे कि जो गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड है ये ओबीजी के क्वेश्चन है, कोलोस्टोमी है ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मल पोटेशियम लेवल फंडामेंटल का सब आएंगे इसके अंदर, जैसे ये इन्फेंटोमीटर गोनियोमीटर ये है, ये पीडियाट्रिक्स के हैं, तो हर एक चीज आएगा। आगे देख लीजिए आप, एंटीडोट आ रहा है हिपेरिन का, वो फार्मेकोलॉजी का है। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको दोस्तों, भरोसा रखें, हर एक सब्जेक्ट क्लियर होगा, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट क्लियर होगा। नोट बकवास फालतू की चीज़ कवर नहीं करवाएंगे, हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही, ये गोल्डन पॉइंट है। बिल्कुल आपने गोल्डन की पॉइंट सुना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यही गोल्डन की पॉइंट है। ये फीटल डिस्ट्रेस में देखने को मिलता है, कैसा कलर? ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड फीटल डिस्ट्रेस में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? देखिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कहते हैं कि किसी भी नर्सिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया तो उस एग्जाम का कोई लेवल नहीं मानते, लेकिन सच ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रोटामिन सल्फेट जो है एंटीडोट होता है हिपेरिन का, हिपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर, आईओपी, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर। देख लीजिए आई वाले चैप्टर से आ गया, नॉर्मल कितना होता है आईओपी प्रेशर जो होता है वो 12 से 22, बिल्कुल कितना 12 से 22 mm ऑफ HG होता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़ों को नहीं आता, बड़े बड़े भूल जाते हैं कि आईओपी कितना होता है, नॉर्मल आईओपी कितना होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल आईओपी जो होता है वो कितना, आईओपी के साथ साथ आईसीपी भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूजिंग है। आईसीपी कितना होता है बता दीजिए, आईसीपी नॉर्मल 5 से 15 mmHg होता है आईसीपी। नॉर्मल आईसीपी बोलते इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो 5 से 15 mmHg होता है। नेक्स्ट बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल, नेल का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा दोस्तों, आप तो नर्सिंग फील्ड से सभी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रोंचिया कहलाता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेल, नेल के इन्फ्लामेशन को प्रोंचिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनो पॉइजनिंग ऑफ फॉस्फेट एंटीडोट क्या होगा? देख लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, आने लायक क्वेश्चन है एम्स के अंदर भी, एम्स के अंदर ही, साथ ही साथ ये जो जीएनएम का एग्जाम होगा स्टाफ नर्स का, जीएनएम का स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होगा अभी, जिसकी विज्ञप्ति आनी है, और ये
संविदा पर पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन नौकरी नौकरी होती है दोस्तों। सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए एंटीडोट क्या होगा? ऑर्गेनोफास्फोर्स पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफास्फोर्स पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? तो वो होगा एट्रोपिन, जो है वो एंटीडोट होता है। बाकी दोस्तों मैं आपको फार्मेकोलॉजी के कुछ मेनोमेनिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर होने वाली है। फार्मेकोलॉजी की एक PDF लेकर आऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मेनोमेनिक का मतलब होता है ट्रिक, हर ट्रिक से अपन फार्मेकोलॉजी कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ करवा रहा हूँ, तो अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप बेनिफिट रहेगा, आपको फायदा रहेगा। देखो, खुद के नोट्स बहुत फायदा करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है और आपको लग रहा है कि वो कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप जो है उसके नोट्स जरूर बनाएं। आप मुझसे इन नोट्स की, जो मैं हाथों से लिखकर जो भी पढ़ाऊंगा मेरे YouTube चैनल पर, उम्मीद मत रखना कि मैं आपको उनकी PDF दूंगा, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मेहनत की है आपके लिए, तो आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें PDF दे देंगे, मजे हो जाएंगे, हम नोट्स ही नहीं बनाएंगे। नहीं, अगर आप क्लास देखते देखते नोट्स बना लेते हैं तो आपका ही बेनिफिट है, आपका ही फायदा है। क्लास को एक बार देखो, दो बार देखो, आप जितनी बार क्लास देखोगे फायदा आपको ही है, बेनिफिट आपको ही है। एक बार आप क्लास देख कर नोट्स बनाओगे, एक बार आप क्लास क्लास देख रहे हो नोट्स बनाओगे, या फिर आप दोबारा क्लास देख कर फिर नोट्स बनाओगे। आप हाथों से जो चीज़, जब तक आप अपने हाथों से कोई चीज़ नहीं लिख लोगे, तब तक वो परमानेंट मेमोरी में जाने से रही जाएगी नहीं, हाथों से लिखोगे तब जाएगी। तो इसलिए हैंड रिटन के जितने भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, PDF नहीं दूंगा। बाकी अगर कुछ आपको करवाऊंगा तो उसकी PDF मैं आपको जरूर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है संविदा CHO भर्ती के नाम से, GNM वाली के नाम से, ज्वाइन जरूर कर ले दोस्तों। उसको आप ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है उस ग्रुप से। उस ग्रुप में बहुत कुछ ऐसी सारी चीजें मिलने वाली है जो आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, बने रहो दोस्तों क्लास के अंदर, बने रहो। बहुत अच्छा अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आज क्लियर होने वाली है, मजा आने वाला है आपको। ऐसा सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देने वाला, यहाँ पर राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आपको देने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। शानदार सेशन, गजब का सेशन। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देखिए, BHU बनारस हिंदी सॉरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक पेपर होता है स्टाफ नर्स का। BHU स्टाफ नर्स का ये पेपर है, स्टाफ नर्स का ये पेपर है, 2016 का पेपर है, आप उठाकर देख लेना चाहिए। आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले लैक्टेटिंग जो वोमेन होती है उसके अंदर एक्यूट ब्रेस्ट पेन होता है, एक्यूट ब्रेस्ट पेन होता है, स्वेलिंग होती है, फीवर होती है। स्वेलिंग होगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा है मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ना, फीवर आना कोई बीमारी नहीं है, फीवर कोई डिजीज नहीं है। साइन एंड फीवर क्या है? एक साइन सिम्टम है इन्फेक्शन होने का। चलिए, रेस्पॉन्सिबली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पॉन्सिबल है इसको करने के लिए? इसका कोज मैंने बताया आपको, लैक्टेटिंग जो वोमेन होती है, जो वोमेन बच्चे को दूध पिलाती है उसे लैक्टेटिंग वोमेन कहते हैं। और एक्यूट ब्रेस्ट पेन बोले तो एक्यूट का मतलब होता है कि छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ब्रेस्ट पेन हो रहा है, उसमें स्वेलिंग भी आ रही है, फीवर भी आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है? वो है दोस्तों स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेफाइलोकोकस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। देखिए, स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, वो 6 से 17 वीक, 6 से 17 वीक पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि DNA वायरस पाया जाता है किस किस में? एक तो हेपेटाइटिस बी में और एक वेरिसेला में।
वायरिसेला और हेपेटाइटिस बी दो ही ऐसी चीज है जिसमें डीएनए वायरस पाया जाता है, बाकी सभी में हेपेटाइटिस ए सी डी ई सब में क्या है, आरएनए वायरस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएन का क्वेश्चन है भैया, ठीक है, सीएचएन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के सेशन की ये स्लाइड लास्ट होने वाली है। अब आप सभी का रेस्पॉन्स देखना पड़ेगा मुझे कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, इस क्लास को कितना प्यार मोहब्बत देते हैं, तब मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा। और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, अगर आप मेरे से अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बूस्ट होनी चाहिए ये वीडियो बूस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखोगे आप लोग, रेस्पॉन्स दोगे। देखो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप वीडियो को देखोगे, आप लाइक करोगे, आप, मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर 100+ लाइक होना चाहिए, 100+ लाइक आएंगे तो मुझे संतुष्टि होगी। और मेरे पास 300 पेज है, 300 पेज में हजारों लाखों क्वेश्चन है मेरे पास, जो आपकी तैयारी ऐसी करवा देंगे, नोर सेट की भी दोस्तों, इस किताब के बाहर से नोर सेट भी नहीं जाएगा, वादा है मेरा। देखिए जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, एनक्लेक्स वालों की बात नहीं कर रहा, वो 10-20 क्वेश्चन आते हैं वो अलग चीज है, 180 में से 130 से 140 क्वेश्चन इसी बुक से आ जाएंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने इस लेवल का कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है। भरोसा रखें आप, तो बस आप भरोसा रखें, बेहतरीन से बेहतरीन डिलीवर होगा, आपका रेस्पॉन्स दर्शाएगा, आपका प्यार मोहब्बत ही मुझे बताएगी। वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे बूस्टअप मिलेगा, और फिर मैं इसका टाइम पीरियड बता दूंगा। अगर आप 300 पेज का रिवीजन चाहते हो, आप 300 पेज का रिवीजन चाहते हो तो मुझे मोटिवेट रखो, जब तक मैं मोटिवेट रहूंगा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज डिलीवर मैं करवा जाऊंगा, ये मेरा वादा है, और शानदार होगा वो। ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है मेरे को, तो ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ है, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, बर्ड फ्लू नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू, तो उस जो वो वायरस था बर्ड फ्लू का, कौन सा था, एवियन इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस था, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है, चलिए बताइए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। देखिए दूसरी क्लास है, इससे पहले एक क्लास मैं ले चुका हूं, अगर आपने नहीं ली है तो आपकी गलती है, क्लास को बिल्कुल मिस मत कर देना, ऐसा शानदार कंटेंट मिलेगा दोस्तों, आपका रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलिए ओसल्टामवीर का नाम आपने सुना होगा, ओसल्टामवीर, ओसल्टामवीर जो है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है बर्ड फ्लू के लिए। अब ड्रग ऑफ एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी अगर है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, एंटीवायरल थेरेपी के लिए वो एसाइक्लोवीर होगी, क्या होगी, एसाइक्लोवीर, दोनों इंपॉर्टेंट भैया, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए चलिए देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो सार्वत्रिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ मैं तो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, HbA1c टेस्ट जो होता है, HbA1c टेस्ट होता है, मींस ग्लूकोज लेवल आवर टेस्ट होता है ये, ग्लूकोज का ये 90 दिन तक के ग्लूकोज को पहचान लेता है ये टेस्ट, 90 दिन तक के, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी less than 6%, लेंथ ऑफ कैथेटर गिवन एनीमा, जब एनीमा देते हैं, एनीमा के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करवा रखी है आपको दोस्तों, एनीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और आगे आपको पूरा एनीमा अगर बने रहे तो एक टाइम आएगा जब इसमें एमएसएन एक साथ आएगी, फंडामेंटल एक साथ आएगी, फार्मेकोलॉजी एक साथ आएगी, पीडियाट्रिक्स अलग से आएगी, एक साथ पढ़ाऊंगा, देखना मजा आ जाएगा आपको, बस आप जल्दी से जल्दी मुझे उस लेवल तक पहुंचा दो जहां पर ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी, जल्दी करें, बूस्टअप करें, लाइक करें, शेयर करें तो सब्सक्राइब करें। 7.5 से 10 सेंटीमीटर, 7.5 से 10 सेंटीमीटर जो है लेंथ होनी चाहिए कैथेटर की एनीमा देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आई ड्रॉप इंस्टिल करते हैं, आई ड्रॉप को इंस्टिल करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है,
क्वेश्चन बनता है जब अपन क्या है आई ड्रॉप को इंस्टॉल करते हैं, तो ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन बनता है। इंस्टॉल ऑफ द आई ड्रॉप, आई ड्रॉप इंस्टॉल करते हैं, देखिए सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए विद हेड जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है क्लीन आई स्टराइल कॉटन, जब आई को क्लीन करते हैं तो इनर टू आउटर कैंथस, इनर टू आउटर साइड इसे बोल सकते हैं, इनर टू आउटर कैंथस भी बोल सकते हैं इसको, कैंथस, इनर टू आउटर कैंथस या इनर टू आउटर साइड भी बोल सकते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ड्रॉपर जो होता है उसको आई से कितना दूर रखना है, 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच उसको दूर रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, नॉरसेट के अंदर, ठीक है। आई ड्रॉप इंस्टिल लोअर कंजक्टिविटा, ऑलवेज लोअर जो कंजक्टाइवा है, लोअर कंजक्टाइवा, देखिए ये आई है, आई है ये, ठीक है, ऑलवेज यहां पर अपने को क्या है इंस्टिल करनी है आई ड्रॉप, देखिए ये आई ड्रॉप ऑलवेज लोअर कंजक्टाइवा में ही इंस्टिल करेंगे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पोजीशन भी सुपाइन और हाइपर एक्सटेंडेड होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों आपको, सारे के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर ड्रॉप, अब ईयर ड्रॉप से भी क्वेश्चन बनता है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करवा रहा हूँ दोस्तों, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। साइड लाइन पोजीशन देंगे, कैसी पोजीशन, साइड लाइन, पुल अपवर्ड एंड आउटवर्ड, पुल अपवर्ड एंड आउटवर्ड किसके अंदर भैया, एडल्ट के अंदर कैसे देंगे, एडल्ट के अंदर जो है कान को ऊपर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ, और बच्चों के अंदर पुल डाउनवर्ड, बच्चे छोटे होते हैं इसलिए नीचे डाउनवर्ड, और बैकवर्ड होगा चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट टाइम फॉर साइड लाइन पोजिशन, कितनी देर तक अपने को 2 से 3 मिनट तक साइड लाइन पोजिशन ही देकर रखनी है। चिल्ड्रन का मतलब यहाँ से 2 साल से कम का जो बच्चा है, 2 ईयर्स से कम का बच्चा जो है वो चिल्ड्रन में आएगा, चिल्ड्रन में आएगा, देखिए चिल्ड्रन में काउंट होगा, उसको इस तरीके से इंस्टिल करेंगे, इस तरीके से पुल डाउनवर्ड, देखिए पुल डाउनवर्ड और पुल बैकवर्ड ऐसे करेंगे, और 2 साल से बड़ा बच्चा है, चाहे वो 3 साल का हो, 3 से लेकर कितना भी हो एडल्ट हो, उसको अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में देंगे, ये डायरेक्शन रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, रिलेटेड नहीं यही आता है, यही क्वेश्चन आता है कि आई ड्रॉप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ईयर ड्रॉप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए आपको मैंने आज क्या क्या करवाया है, जितना भी मैंने आपको करवाया है सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आएगा 100% आएगा। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आज का सेशन इतना ही रहेगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखिए आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर कर लेता हूँ, यस देखो दोस्तों राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी
हमेशा छात्र हित में है नर्सिंग एकेडमी आप सभी के लिए ये क्लासेस चालू कर रखी है। रोज़ाना सुबह 10 बजे रोज़ाना 10 AM पर आपके लिए शानदार क्लास आ रही है गोल्डन की पॉइंट की, जो किसको टारगेट करेगी, राजस्थान GNM एग्ज़ाम को, साथ में ही नॉर्थ सेट को टारगेट करेगी, अपने नॉर्थ सेट को टारगेट करेगी, नॉर्थ सेट को भी टारगेट करेगी। इसके अलावा आपको रोज़ाना जो है 9 बजे, अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो रात को 9 बजे रोज़ाना 9 PM पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन की क्लास मिलने वाली है, डेली आपको इमेज बेस्ड की क्वेश्चन मिलेगी। तो ये था आज का शानदार सेशन, आपने अगर अटेंड किया है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो ज़रूर करें, पिछला भी आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में ही मैं बता देता हूँ आप हमारे से कैसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन का मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिया गया है उस पे आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अभी जाओ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको आने वाले समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें वहां पर मिलने वाली है। कभी भी इस ग्रुप को लेफ्ट मत करना, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में एक ग्रुप आपको हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। साथ में ही आप इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है मेरे, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं चीज़ें आपको डिलीवर करता रहूँगा, टाइम टू टाइम हर चीज़ बताता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक कर लेना, राजेंद्रा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ही इंस्टाग्राम पेज भी अपना। तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास को अपन इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट, थैंक यू सो मच।